मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी खिलजी प्रशासन के अंतिम शासक खुसरो खान की गजनी मलिक द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो सिंहासन पर आसीन था और ग्यासुद्दीन तुगलक की उपाधि हासिल कर रखी थी। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जोना उलुग खान 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ उसका उत्तराधिकारी बना था। उसने 1325 से 1351 तक दिल्ली पर शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म मुल्तान के कोटला में हुआ था और दीपालपुर के राजा की पुत्री से उसका विवाह हुआ था। वह तर्क, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, सुलेख और भौतिक विज्ञान का विद्वान था। वह तुर्की, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी विभिन्न भाषाओं का अच्छा जानकार था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वह एक ऐसा उदार सम्राट था जो समानता में विश्वास करता था। उसने जैन समुदाय के लोगों के साथ साथ हिंदुओं को भी आज़ादी दे रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की एक शासक के रूप में सर्वोच्च पहचान यह थी कि उसने विभिन्न उल्लेखनीय प्रयास किए थे और कृषि के क्षेत्र में एक अलग आकर्षण पैदा किया था। वह धर्म में गहरा विश्वास रखता था और तार्किक एवं ग्रहणशील दृष्टिकोण रखता था। तर्क शक्ति, अंतरिक्ष विज्ञान, मूल कारणों और गणित के प्रति उसकी विशेष रुचि थी। वह मुस्लिम अध्यात्मवादियों के साथ साथ हिंदू योगियों और जैन धर्म के पवित्र लोगों से बातचीत करता था। उदाहरण के लिए जॉन प्रवाह सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार। उसने कई आधिकारिक परिवर्तन पेश करने का प्रयास किया था, लेकिन इनमें से अधिकतर में वह अपनी खिन्नता और न्याय के अभाव के कारण विफल रहा था। उसकी 5 विनाशकारी परियोजनाएं। दोआब में कराधान। सुल्तान ने गंगा और जमुना के बीच दोआब में एक मूर्खतापूर्ण बजट संबंधी परीक्षण किया था। उसने शुल्क दर में बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ अतिरिक्त अबवाबों को पुनः प्रचलन में ला दिया था। बावजूद इसके राज्य की हिस्सेदारी अलाउद्दीन के समय से भी आधी रहने लगी थी। राजधानी स्थानांतरण 1327। ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तान देवगिर को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था, जिससे वह बेहतर तरीके से दक्षिण भारत पर नियंत्रित स्थापित कर सके। देवगिर का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया था। 2 या 3 साल के बाद ही मोहम्मद तुगलक दौलताबाद को छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि जिस आधार पर उसने दौलताबाद को चुना था, उससे वह दिल्ली से दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकता है और ना ही वह दौलताबाद से उत्तर पर नियंत्रण रख सकता है। टोकन मुद्रा का आरंभ 1330। मोहम्मद ने तुगलक तांबे के सिक्के चलन में लाने का फैसला किया, जिसकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर ही थी। हो सकता है मोहम्मद तुगलक का नए सिक्कों की ढलाई से आम लोगों को दूर रखने का यह एक प्रभावी दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब रहा और जल्द ही अविश्वसनीय रूप से नए सिक्कों का कारोबारी भाव गिरने लगा। खुर्सी अभियान। सुल्तान का चारों ओर व्यापक जीत का एक सपना था। उसने खुर्सी और इराक को विजय के चुना और इस कारण एक विशाल सेना को सक्रिय कर दिया था। उसको इस अभियान से निराशा हाथ लगी थी। कराची अभियान। यह अभियान चीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए चलाया गया था। इससे उसके मन में एक विचार ने जन्म लिया, जिसका उद्देश्य कुमाऊं गढ़वाल जिलों में कुछ दुराग्रही
जनजातियों को समन्वित कर उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था। इन परियोजनाओं ने मदुरई और वारंगल की स्वतंत्रता और विजयनगर और बहमनी की नींव रखने के लिए देश के कई हिस्सों में विद्रोहों को जन्म दिया था। अंत में एक तुर्की गुलाम के खिलाफ सिंध में से जूझते समय थट्टा में उसकी मृत्यु हो गई थी।